अध्याय 6 विश्व का मानव अधिवास। अधिवास का अर्थ वह स्थान जो मनुष्य के निवास के लिए स्थायी रूप से बसा हुआ है उसे अधिवास या मानव बस्ती कहा जाता है। आकृति के आधार पर अधिवासों के प्रकार। रेखीय प्रतिरूप, जब किसी सड़क, रेल मार्ग या नहर के दोनों तरफ मकान बनाए जाते हैं तो उन्हें रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। भारत में गंगा और यमुना नदी के मैदानों में रेखीय प्रतिरूप वाली बस्तियाँ पाई जाती हैं। दूसरा है तीर प्रतिरूप, दो नदियों के बीच की भूमि में इस प्रकार के मानव अधिवास पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ दो विभिन्न नदियाँ बहती हैं, एक मुख्य नदी होती है और दूसरी उसकी सहायक नदी होती है। दक्षिण भाग के राज्यों में इस प्रकार की बस्तियों का विकास हुआ है। आयताकार प्रतिरूप, जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं तो उनके मिलन स्थल पर बस्तियों का विकास होता है, इसे आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। आर्य प्रतिरूप, जब किसी स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें आपस में मिलती हैं तो उनके मिलन बिंदु पर आर्य प्रतिरूप वाली बस्तियों का विकास होता है। बड़े महानगरों में इस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाती हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप, किसी झील, तालाब या कुएं के चारों तरफ मकान बनने से जिन बस्तियों का विकास होता है उन्हें वृत्ताकार प्रतिरूप वाली बस्तियां कहा जाता है। तारा प्रतिरूप, जब विभिन्न रास्ते किसी स्थान पर जाकर मिलते हैं तो तारा प्रतिरूप का निर्माण होता है। मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप, आदिवासी जनजातियों द्वारा अत्यधिक पास पास छोटे छोटे झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप कहा जाता है। ग्रामीण अधिवास, ऐसे मानवीय अधिवास जिनमें अधिकांश लोग प्राथमिक व्यवसाय करते हैं उन्हें ग्रामीण अधिवास कहते हैं, और इनके ग्रामीण अधिवासों के प्रकार सघन या गुच्छित बस्ती। ऐसे अधिवास जिनमें मकान अत्यधिक पास पास बने होते हैं उन्हें सघन या गुच्छित बस्तियां कहते हैं। इनके अन्य नाम पुंजित अधिवास, सहंत अधिवास, संकेंद्रित अधिवास भी होते हैं। ये अधिवास समतल उपजाऊ मैदानों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास, ऐसे अधिवास जिनमें घर दूर दूर बनाए जाते हैं इन्हें प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास कहा जाता है। इनमें घरों के बीच में कृषि भूमि पाई जाती है। मिश्रित अधिवास, ऐसे अधिवास जिनमें उपरोक्त दोनों प्रकार के अधिवासों की विशेषताएं मिलती हैं उन्हें मिश्रित अधिवास कहते हैं। पुराना या पल्ली अधिवास, इस प्रकार के अधिवास टुकड़ों में बटे हुए होते हैं लेकिन ये टुकड़े पास पास बने होते हैं। ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं, आवागमन के साधनों की कमी होती है, शुद्ध पेयजल का अभाव पाया जाता है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, बिजली की आपूर्ति का अभाव पाया जाता है, रोजगार के अवसरों में कमी पाई जाती है और उच्च शिक्षण संस्थाओं का अभाव पाया जाता है।